ये आपको मालूम है, ये कोई नया नहीं हो रहा। इस वार्ड के अंदर में कोई कोना, कोई इंसान बाकी नहीं है जिसको ये लोग मारा नहीं। कोई ऐसा इंसान, या मोहम्मद सुराब हो, या सोनू भाई हो, या हम अपने आप में बोले मैं शमशाद, या आपके मछली बाजार में है उसका, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मारा नहीं। हर जगह मारपीट खूनारेजी ये लोग किया है। और ये जब से 15 में TMC ज्वाइन किया है तो इसको मसल पावर इतना मिल गया है, खुलाआम गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर दिया। 15 में ज्वाइन करने के बाद 16-17 में चूल्हे मस्जिद में 25 करोड़ का वहाँ पर ही एक ठो मामला हुआ कि चूल्हे मस्जिद बनना है, तो 25 करोड़ का एक ठो प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसमें भी ये लोग मारपीट किया। अरे मारपीट महीना दिन चला। और इस तरीका का आप कल भी देखे हैं कि किस तरीका का जगरिया सीट में, आप यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर जाके 39 से 43 में एक गुंडागर्दी 50 साल होगा। अगर मेरे भाई को मारा, क्यों मारा नहीं मारा उसका भी इंक्वायरी सर्वे करेंगे। इनका भाई कोई दूध का धोला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात बात में आदमी को गाली देता, मार देता है, और हमेशा एक ही बात बोलता है, चावल से 2 टुकड़ा कर देंगे, गोली मार देंगे, क्योंकि ये लोग खूनी फैमिली है, ये नया नहीं है। एक भाई आपका शमीम नवाब का मर्डर किया, उसका एक भाई मुन्ना अपने बीबी को जला कर मार दिया, और इसका ये भाई राज आए दिन गोली चापर मशीन लेके कर रहा है। आई जब से पार्टी 2015 में ज्वाइन करने के बाद एक खुलाआम गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया। मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करने के बाद मेरा सुपारी दिया है मर्डर कराने का। मैंने देखिए 107 लगाया है, 144 लगाया है, मैं सारा पेपर आपको दिखा रहा हूँ। और हम लोग कोई गुंडा गर्दी इंसान नहीं है। एक कार्रवाई क्यों लगा दिए जी, क्यों ये सब लगा रहे? देखिए मैंने जब से कांग्रेस ज्वाइन किया करने का बाद, ये आपको कहानी बहुत बड़ा कहानी है, अगर इसके बारे में आपको बताए हम तो आप लोग तजिएगा। देखा गया तो कल तो वही मार खाया भैया, गुंडागर्दी करता है तो मार क्यों खाता? गुंडागर्दी क्या मार क्यों खाया? आप पहले ये बताइए, आप वहाँ पर ही डंडा चापल छुड़ी लेके वहाँ क्यों, क्या करने गए? लेकिन वो तो अकेला था, वो तो कहाँ अकेला था, नहीं था, 30 लड़का लेकर ढुका है, एक बच्चा लड़का था, वो कौन बोला 30 लड़का लेकर ढुका है आपका? पहले जो मार खाया वो राज साहब का फोटिस टीवी है, मार खाइएगा नहीं। कोई आदमी अपना बहन बीबी को मैंने सॉरी अपनी माँ को डायलिसिस में ले आ रहा है, उसको गाली तो दिया है, वो लड़का अपनी माँ को डायलिसिस में ले आ रहा है। डायलिसिस एक किडनी पेशेंट होता है, आपको मालूम है। हाँ, उसके ऊपर में हमला जाकर मारपीट किया, वहाँ का अमाम मारा, कोई गुंडागर्दी, कोई पब्लिक, वहाँ पब्लिक मारा है, कोई एंटी सोशल नहीं मारा है। हम दिखा रहे जिस तरह का पेपर आपको दिखा रहे, इस तरीके का पेपर मोहम्मद सराफ भाई का पास में मिलेगा, आपको सोनू भाई का पास में मिलेगा। 144, 107 हम लोग लगाया, हम लोग एक कारोबारी बिजनेसमैन है, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे। हमारे पास ID फाइल, टेट लाइसेंस, आपको हम सब दिखा रहे। ये देख लीजिए हमारा टेट लाइसेंस, ये टेट लाइसेंस हमारा, देखिए हमारे पास 87 का टेट लाइसेंस है। एक कारोबारी बिजनेसमैन है, मैं कॉस्मोस इलेक्ट्रिक एंड डिकोडर का मालिक हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा ID फाइल, देख लीजिए ये ID फाइल है मेरा। हम लोग कोई एंटी सोशल गुंडा नहीं है। आप पहले बताइए मुझे क्यों मारा, इसका कारण जानते क्या है? मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, हमारा इससे हमारा कोई दुश्मनी जमाना नहीं था। इनका 88 में इनका बहन से हमने शादी नहीं किया, ये रिश्ता लगाया लो, हम शादी नहीं किया। उस दौर में मुझे CPM का दौर में 5 बार अंदर करवाया, उसके बाद आए दिन काम करा के मेरा 1-2 लाख रुपया पेमेंट नहीं देता था। इसी टाइम से गुंडामू कर रहा है। हमें ये बता दीजिए, इस आदमी आज जो 50-100 करोड़ का मालिक हो गया, कहाँ से हो गया? इसका क्या कारोबार, क्या बिजनेस है? इसका स्टेट लाइसेंस निकाल लीजिए आप, ID फाइल निकाल लीजिए इसका। आप 2010 का जब इलेक्शन ऑफिसर को अपना बाई डाटा दिया है, क्या कारोबार, क्या बिजनेस है, अब इसका इंक्वायरी कर लीजिए। कितना रुपया दिया है, कितना गहना दिया है, आज इनका देख लीजिए।
मैं आज मीडिया का थ्रू बताने चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग ने सबर किया, मुझे MLA इलेक्शन में मेरे पर हमला किया, 40 आदमी मिलकर मारा मुझे, उस टाइम में थाना कोई सुनाई नहीं किया। और आज आप बोल रहे मेरा पर हमला क्यों करने मांग रहा, क्या करने मांग रहा। यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग 16 बिल्डिंग बनाने का ये लोग कॉन्टेक्ट लिया, हम कहीं पर ही कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। अब ये लोग क्या बोला है जानते, क्या बोलते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं सुनेगा, इसको ऊपर भेज दो। क्यों, किस लिए कि यहाँ पर अगर 16 बिल्डिंग बनाता है तो कम से कम 50 करोड़ रुपया कमाएगा। ये थाना का OC को बोला है कि आप 5 महीने रुक जाइए, 5 महीने में आपको हम 10 करोड़ भी आमदनी नहीं है। थाना का OC पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है उसको, हर जगह में, हर जगह गुंडागर्दी कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं आपके पास कुछ प्रूफ है जो थाना का OC का बारे में जो बोल रहे हैं आप, तो इसका बारे में आपके पास कुछ प्रूफ है? आपको पूर्व यही बताते रहे हैं, निगल जितना काम हो रहा है, इतना कंप्लेंट होने के बाद काम क्यों नहीं बंद हो रहा, काम क्यों नहीं बंद हो रहा, आप पूर्व मांग रहे हैं ना? कंप्लेंट किए हैं? हाँ, बहुत कंप्लेंट हमारे पास पेपर है। यहाँ पर 2 नंबर मोबाइल बिक रहा है, खुला आम 2 नंबर मोबाइल सब आपके पास में वीडियो आपको भेज देंगे, हम हर एक कॉपी मैं दूंगा। हम लोग एक कारोबारी बिजनेसमैन है, हम लोग 1 नंबर धंधा कर रहे हैं, कोई 2 नंबर धंधे नहीं कर रहे। मोहम्मद शराब के ऊपर में अभी प्लान किया था मर्डर करने का, वो एक कारोबारी बिजनेसमैन है। 2015 में सोनू भाई को मारा, क्या है, सोनू भाई कारोबारी बिजनेसमैन है, वो TMC सिस्टम कर रहा था, आज वो TMC छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हम लोग संघ में। क्यों, क्योंकि TMC के अंदर में एक ऐसा शैतान डूब गया है जो ये खूनी फैमिली है। आपको मालूम है 90 में उसका भाई मर्डर किया समीम, उसके बाद में उसका एक भाई मर्डर किया, अपने बीवी को जलाकर मार दिया। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ मीडिया थ्रू, ये हकीकत बयान दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर सर्वे कीजिए, ये आदमी क्या है, क्या कारोबार, क्या बिजनेस है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, अगर इसका कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई ट्रेड लाइसेंस निकाल लीजिए। ये आए दिन गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? अभी फराज हकीम को 5 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया, 5 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया फराज हकीम को। अभी बॉबी इसको फुल सपोर्ट कर रहा है, हर जगह में फुल सपोर्ट कर रहा है बॉबी, किस लिए? आज इसके पास में गैर कानूनी काम दुनिया भर हो रहा है, इलीगल बिल्डिंग दुनिया भर हो रहा है, 2 नंबर मोबाइल का इसको 3 लाख रुपया महीना मिल रहा है। अभी एक आपको बीच में मीडिया में मैंने दिया था, एक आदमी 10 लाख में दुकान लिया, उसके दुकान के सामने में 200 ड्राम लगा दिया। अगर मैं दुकान लिया यहाँ पर ही तो इस दुकान में नहीं खोलूँगा। अब वो डायरेक्ट बोल रहा है कि कट मनी देने होगा 2 लाख रुपया। एक कटरा का आपका था, मैं कटरा का पूरा स्टेटमेंट एक दो बार नहीं आपका चैनल 10 से लेके हर मीडिया में दिया हूँ, मैं हर जगह में दिया हूँ, कोई जगह बाकी नहीं है। और ये कहता है कि मैं बहुत अभी बैतुल माल का लेके मोहम्मद शराब के ऊपर में हमला किया, बहुत बड़ा हमला, उसका भी मर्डर कराने का ये प्लानिंग कर रहा है। आप पहले बताइए, हम लोग एक कारोबारी बिजनेसमैन ना, हम लोग लड़ने चाह रहे हैं ना गुंडागर्दी हम लोग करने चाह रहे हैं। इस वार्ड के अंदर में अगर कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है तो हम लोग कलम का मार मारेंगे, कानूनी मार मारेंगे। हम लोग कोई एंटी सोशल, हम ये TMC का जब से ज्वाइन किया है इसके खुला आम गुंडागर्दी हो गया। अब फराज हकीम इसको हाथ रख दिया है और फराज हकीम को अभी 5 करोड़ रुपये दिया है एक कौंसलर टिकट के लिए, तो ये मत पूछिए कि अपने आप में क्या हो गया है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब बताते हुए मैं मोहम्मद शमशाद कांग्रेस का ये बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी कांग्रेस का लोग को MLA इलेक्शन में जो मार खाया वो दिन हम लोग नहीं भूला, गुंडागर्दी जो किया वो दिन नहीं भूला। मैं यही बोल के जय हिंद, वंदे मातरम।